नमस्कार प्रिय सर मित्रों, आपका अपने चल जीप आपके तिवाड़ी में फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वक्त तक अपने प्याज कम से कम आधे या 30% तो निकाल ही दिए होंगे, या हो सकता है किसी किसान मित्र ने 70% निकाल दिए होंगे। इसी विषय में चर्चा आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ कि वातावरण में इस वक्त नमी बनी हुई या लगातार बारिश हो रही है, तो उस वक्त हमें प्याज में कितनी देर फैन चलाना है, कितनी देर वहाँ पर रूम हीटर चलाना है, या फिर आप बल्ब चला रहे हैं तो कितनी देर चलाना है, इसके मेंटेनेंस की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर किसान मित्रों, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपको आपके कमरे में जहाँ प्याज रखा हुआ है वहाँ पे जो लाइट लगा रखे या लाइट का प्रबंधन किया हुआ है, किसी ने रूम हीटर लगा रखा है, तो यदि एक छोटे से कमरे से बात करेंगे हम कि एक 12x12 का आपका कमरा है, वहाँ यदि आपने 500 वाट का प्रबंधन किया हुआ है, लाइट लगा दिया, हेलोजन लगा दिया, कुछ भी लगाया हुआ है, तो वहाँ पे आपको जब लगातार बारिश हो रही है, वातावरण में नमी बनी हुई है, तो 3 से 4 रोज तक 500 वाट और बढ़ा दीजिए। आपका 500 वाट है 1000 कर दीजिए, किसी रूम में आपने 1000 वाट किया हुआ है तो वहाँ 1500 वाट कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे प्याज में मिस्सी आने की संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और जो प्याज के अंकुरण की क्षमता होती है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। अब आपने जिस लाइट का प्रबंधन तो कर दिया है, हमारे कहेंगे रूम में आपने गर्मी की पर्याप्त व्यवस्था कर दी है, अब यहाँ पर आपको प्याज में जो फैन चला रहे हैं लगातार, उसकी मात्रा में भी हमें कमी करना है। यदि यहाँ पर हम लगातार फैन चलाते रहेंगे तो क्या होगा, वातावरण में से नमी खिंचाएगी, नमी को खींच के हमारे प्याज में जाएगी, जितनी ज़्यादा नमी जाएगी उतनी जल्दी प्याज खराब होगा। अब हमें यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो हम लगातार फैन चला रहे हैं उसकी अवधि हमें कम करना है। यदि आप 24 घंटे में से 18 घंटे फैन चला रहे हैं तो उसकी अवधि हमें 12 घंटे पर छोड़नी है। आपने कुछ मेंटेनेंस करके रखा है कि आप 14 घंटे फैन चल रहा है तो उसकी अवधि आपको 10 घंटे तक करना है। पर एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जो लाइट का प्रबंधन आपने बल्ब कुछ भी लगा रखा है, रूम हीटर लगा रखा है, उसकी अवधि कम नहीं करना, उसकी अवधि इस वक्त बढ़ाना है। आपको फैन की अवधि कम करना है और लाइट की अवधि बढ़ाना है, जिससे हमारे प्याज में मिस्सी नहीं आएगी, लगातार वातावरण में नमी बनी हुई है तो, और प्याज में अंकुरण नहीं होगा। तो किसान मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी को कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं, अपने और किसान मित्रों से वीडियो साझा करना ना भूले। धन्यवाद।